सीएम अशोक गहलोत सोमवार को अलवर जिले के तिजारा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चंद्रगिरी वाटिका में एआईसीसी की ओर से आयोजित नेतृत्व संगम शिविर में भाग लिया। शिविर प्रभारी और राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा सहित महिन मंत्री और विधायक शिविर में मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 दिवसीय इस शिविर में 20 राज्यों से 17 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तिजारा धैरा जैन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान राजस्थान प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, कांग्रेस के विधायक और नेतागण मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 13 जिलों के लिए ईस्टर्न कैनाल परियोजना बेहद जरूरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट घोषणा के बाद भी इस पर काम नहीं कर रही है, जो कि बेहद चिंतनीय है। कमी नहीं लगी कल बोलने के लिए, कल अच्छी पैरवी करी राजस्थान की हम लोगों ने। वहाँ तो पता नहीं किन कारणों से वो आत्महत्या का क्या आत्मदाह किया उन्होंने, वो तो बिल्कुल ही हम जब मान चुके थे वो माइंड वहाँ पर लीगल है, इलीगल नहीं है जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है। सर लीगल माइंड है, फिर भी क्योंकि धार्मिक पहाड़ है इसलिए उसको बंद करने की मांग उनकी थी साधु संतों की, हमने उसको मान ली थी। फिर वो क्यों उन्होंने आत्मदाह किया कि समझ के परे हैं, हम मान चुके थे मांग को, लीगल माइंड से तब भी हमने हटाने का फैसला कर लिया। योजना है सर, पिछली गवर्नमेंट बनाई है इसको, हम तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें रिकॉर्ड क्यों डाल रही है केंद्र सरकार, मेन बात यह है। तो कल मैंने इस मुद्दे को उठाया है और मैं आपको कहना चाहूँगा, हमने तो 9,000 करोड़ रुपये रखे हैं फिर भी सर कि डिले नहीं होनी चाहिए, पर अल्टीमेटली अगर राष्ट्रीय परियोजना बनती है तो टाइम पे पूरी हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी योजना है, लगभग 40,000 करोड़ योजना है।